पहुंचना चाहिए था पाकिस्तान के जेलों के अंदर, जेलों के अंदर। वज़ीर आज़म ने आसिफ सरदारी को टारगेट नंबर एक करार दिया। इल्ज़ाम लगाया कि ये ज़ालिम आदमी पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को मरवाता है। आसिफ सरदारी का वक्त आ गया है, मकसूद चपरासी वाले को भी जेल में डालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को एक बार फिर उन्होंने मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। टारगेट होगा ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। सरदारी सिस्टम में हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है, लेकिन सरदारी जब तुम्हें लैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है। आसिफ सरदारी तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हारा वक्त आ गया। ये हाथ मेरे आजमाए हुए। इसी तरह आपने देखा होगा मकसूद चपरासी वाला, कौन है वो?